हाय, तो ये लीजिए, मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ। और अब देखिए, एक के बाद एक त्यौहार आते जा रहे हैं और इनकी तैयारियाँ मतलब टाइम से करनी चाहिए। तो मैं अब जन्माष्टमी की तैयारी करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं कुछ जन्माष्टमी के लिए लड्डू गोपाल जी का प्रसाद और उनको खुश करते हैं। तो यहाँ मैंने सामान ना एक जगह करके रख लिया था, जिससे कि मैं कुछ भूलूँ, इधर उधर ढूँढूँ। तो उससे पहले मैंने बास्केट में सारा सामान करके यहाँ रख लिया है। अब आसानी से मिल जाएगा सारा सामान। तो ये सारा सामान मैंने निकाल के कटोरियों में लगा लिया। अब चलिए करते हैं थोड़ी सी तैयारी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में एक चम्मच घी डाला है, एक चम्मच से भी कम। और यहाँ ड्राई फ्रूट्स को हम भूनेंगे। मैं दो तरीके की मिठाई बना रही हूँ जन्माष्टमी के लिए, तो दोनों के लिए एक साथ ही ड्राई फ्रूट्स को भून लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारा समय लग जाएगा अगर मैं एक एक करके भूनूँगी। और फिर से हम डालेंगे पैन में थोड़ा सा घी। तो सारे जो चीज़ें मैं भून रही हूँ, ये बहुत कम घी के साथ भून रही हूँ। यहाँ मखाने भी हमारे क्रिस्प हो गए, हटा लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ पैन में ये गोंद, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ। गोंद के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा घी डालना होगा। और गोंद को जो है बिल्कुल आपको स्लो गैस पे भूनना है इसको, क्योंकि ये तभी फूलेगी अच्छे से। अगर आपने तेज़ गैस पे रखा तो ये ऊपर से तो फूल जाएगी, लेकिन अंदर इसके कच्चापन रह जाएगा। और निकाल लेंगे। उसके बाद हम भूनेंगे ये बीज को। ये मस्क मेलन सीड है, या खरबूजे के बीज, या मगज के बीज, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तड़कते हैं, तो आप अपने अस्त्र शस्त्र लेके तैयार रहें इनको ढकने के लिए। और बिल्कुल केयरफुल होके भूने। मैंने देखिए इसका ढक्कन ले रखा है, जिससे कि ये तड़केंगे तो मैं ढक दूँगी। और फिर इसको निकाल लेंगे बाहर। तो ये काफ़ी तड़कते हैं। जो टाइट वाला नारियल होता है, कहीं उसे गोला बोला जाता है, कहीं नारियल बोला जाता है, तो उसी को कद्दूकस करके मैंने हल्का सा भुना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब यहाँ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, उनको मोटा मोटा सा हमें क्रश कर लेना है। तो मैं मिक्सी से कर लेती हूँ, जिससे कि फटाफट से काम हो जाए। तो यहाँ मैंने बस थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, वो जो मैं पाक बनाने जा रही हूँ उसके लिए। तो उसमें ये क्रश करके वो ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, साथ में ही ये जो खरबूजे के बीज से उसको डाल दिया। और इनको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, क्योंकि वो बर्तन जो था वो छोटा पड़ रहा था। अब हमें बिल्कुल इक्वली इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब हम पाक बनाएंगे तो वो इधर उधर एक एक कहीं कुछ हो जाएगा और कहीं कुछ हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करना है और नापना है इसको। तो मैंने एक कटोरी मेज़र करने के लिए ले लिए, और ये तीन कटोरी पूरा कुछ मिला के ये तीन कटोरी है, ये देखिए आप। तो मेज़र इस तरीके से करके बनाएंगे, तो आपकी जो ये जो पाक बना रहे हैं हम, ये कभी भी गड़बड़ नहीं होंगे। और मैं इस तरीके की मिठाई बता रही हूँ जिसमें मैं कम चीनी का यूज़ करूँगी, लेकिन बर्फ़ी आपकी परफेक्ट बन जाएगी। यहाँ देखिए, मैंने तीन कटोरी वो मटेरियल था सारा, एक ये डेढ़ कटोरी मैंने चीनी डाली है। थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ। डेढ़ कटोरी चीनी डाली है और आधा कटोरी इसमें पानी डाल दिया है, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, पौन कटोरी जैसा। और फिर इसको मिलाएंगे, मतलब जितनी चीनी हमें लेनी है उसका आधा हम पानी लेंगे। पहले चीनी मेल्ट होगी, उसके बाद हम पानी में ऐसे डाल के देखेंगे इसको, चाशनी को। और ये ऐसे अगर मतलब एक जम जैसी जाती है तो समझिए परफेक्ट है। और बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, और बस अपना जो जो भी मटेरियल है वो सारा डालेंगे। और फटाफट गैस का फ्लेम जो है बंद कर दीजिए आप, उसके बाद मिलाइए, क्योंकि जो चीनी है वो बहुत ही जल्दी गाढ़ी होती है और फिर आपकी जो बर्फ़ी है वो जम नहीं पाएगी। तो इसलिए आप फ्लेम को बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई जो होती है ना वो फुल टू गर्म हो चुकी होती है। और यहाँ मैंने देखिए एक बर्तन में ना घी पहले से लगा के रखा है, और अब इसमें ही हम इसे फटाफट से डाल देंगे। तो ये काम आपको बहुत ही जल्दी करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी जमती है, चीनी जो होती है ना बहुत जल्दी ठंडे होके जमती है। तो फटाफट से डाल के इसको हमें फैला देना है, और इसके बाद बहुत ही जल्दी इस पे निशान भी लगा देने हैं। ये देखिए, मैं इसको ऐसे करके बिल्कुल ठीक से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई चौकोर प्लेट नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसमें जमाया, और इतनी ही जमानी थी मुझे, तो इस वजह से। और यहाँ पे फिर अब दूसरी बर्फ़ी की तैयारी कर लेते हैं, यानी पाक की। तो यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और ऐसा क्रश किया है कि कहीं थोड़े बहुत मोटे रहें। तो
जो मखाने और ड्राई फ्रूट से दोनों को मैंने क्रश कर लिया अच्छे से। अब इसमें ये खरबूजे के बीज मिलाएंगे, कुछ थोड़ी सी किशमिश भी मैंने इसमें मिला दी है, और ये जो हमारी गोंद थी ना इसको हमें मिक्सी में डाल के नहीं चलाएंगे, नहीं तो इसके बिल्कुल ये चूरा जैसा बन जाएगा। तो यहाँ इसको मोटा मोटा सा दर दरा सा फोड़ लेंगे, और जब ये मुँह में आती है ना तो ये बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कटोरी से दबा दबा के इसको क्रश किया है। और यहाँ इसका भी मेज़रमेंट कर लेंगे। तो ये इस कप से मैंने मेज़रमेंट कराया, ये पूरा 4 कप थी, पूरा 4 कप। और अब इसके ही हिसाब से हमें चीनी लेनी है, तो सबसे पहले हम 2 कप चीनी लेंगे, क्योंकि 4 कप हमारा ये सारा मटेरियल था सारी यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो 2 कप मैंने चीनी ली है और 1 कप इसमें पानी डाला है चाशनी के लिए। और ये ना बिल्कुल हल्की लाइट मीठी बनेगी, अगर आपको ज़्यादा मीठी चाहिए तो आपका जितना वजन में मटेरियल है मतलब जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उतनी आप चीनी ले सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ इसमें मतलब ये बहुत हल्के मीठे होंगे और बर्फ़ी भी परफेक्ट जम जाएगी। तो यहाँ देखिए इसको भी मैंने उसी तरीके से चाशनी को बनाया जैसे पहले बनाया था, एक तार की लगभग जैसी, जब आप हाथ पे लगा के देखेंगे थोड़ी सी चिपचिपी जैसी हुई होती है, एक तार जैसा बनता है उसमें, बस उतना ही करना है, बहुत गाढ़ा नहीं करना है हमें। और फिर इसके बाद इसे डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ फिर से मैंने घी लगा के रख लिया एक प्लेट पे, और इसको भी फटाफट से हमें डालना है क्योंकि ये भी बहुत जल्दी जमेगी, क्योंकि इसमें भी चीनी है। और ये लीजिए, चलिए फैलाते हैं इसको फटाफट। तो दोनों पाक हमारे बनके तैयार है, और इस तरीके से आप बनाइए, बिल्कुल बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत टेस्टी। और ये देखिए मैंने कट का निशान आप ज़रूर लगा दीजिए, जैसे ही हल्का सा ठंडा हो आप कट का निशान लगाएंगे तो इसे निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए कितने अच्छे पीस बन के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले से कट का निशान लगा दिया था। तो आपके दोनों ही तरीके के देखिए पाक बनके तैयार हैं, एक नारियल का पाक और दूसरा ड्राई फ्रूट पाक। तो जन्माष्टमी के अवसर पे इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छे बनेंगे, और बाहर से लाने की तो कोई भी ज़रूरत होगी नहीं आपको फील अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। एक तो देखिए बहुत ही शुद्धता के साथ आप घर में बना पाएंगे, और दूसरा अपने हाथों से लड्डू गोपाल जी को भोग बना के खिला पाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। तो मेरा ये तैयार है सारे जो मैंने भोग बनाए थे, अब आगे का वीडियो जब बनाऊंगी जो भी बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। और ये भी देखिए हमारी जो पाक थी ये जम गई है, इस पर भी मैंने ऐसे कट के निशान लगा लेती हूँ जिससे कि आसानी से निकल जाए। और देखिए अभी आप निकल ही जा रही है, ये तो थोड़ा सा बस ठंडी हुई थी ये, तभी मैंने इस पर कट के निशान लगा लिए। और ये देखिए कितने आसानी से थोड़ी देर में जम के ये निकल आई है। तो ये हमारी मेवा पाक है। तो दोनों तरीके की जो पाक है हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं, तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें इस जन्माष्टमी। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे बने। और अपने हाथों से जब प्रसाद बनाऊँ ना तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। खाएं पिए इंजॉय करें।